अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के व्लॉग चैनल पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करते हो कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शौहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग आ गए लोनावला घूमने के लिए। और अभी हम लोग जिस हाइट पे ना, ये हाइट का तो मुझे अंदाजा नहीं है कितने ऊपर है हम लोग, लेकिन जहाज में आपको दिखा सकते हैं, देखिए वहाँ पे जो बादल दिख रहे हैं, वो जो गाड़ियां जा रही है छोटी छोटी, वो पूरा पहाड़ हम लोग पूरा घूम घूम के दोस्तों यहाँ तक आए हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग सारा ही पहाड़ घूम घूम के आगे इसकी वादियां, इसका रास्ता आपको वीडियो में मैं इसके जो भी मैंने क्लिप निकाली वो सारी क्लिप मैं इसके अंदर ज्वाइन कर दूंगी। अभी हम लोग फटाफट हमारी जर्नी स्टार्ट है और हम लोग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, ताकि क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम बना है। मौसम तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अमेजिंग एकदम, जिस तरीके से देख सकते हो ऐसा लग रहा है ना कि बस यहाँ पे रहना चाहिए। तब यहाँ पे तो इतना रुक नहीं सकते क्योंकि हाईवे रोड है और ये अभी वन वे ही चालू है, वन वे कर दिया क्या रोड का काम चालू है कि क्या है पता नहीं। तो चलो फटाफट से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, आगे का हमारा जो सफर है वो जारी रखते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ओ माय गॉड माशाल्लाह। सिंगरोबा मंदिर जा चुकी है दोस्तों पीछे और हम लोग आगे बढ़ते हुए, देखिए कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे समोसा है, इडली है और वड़ा पाव भी है। तो एक समोसा पाव लेंगे, तेरे को क्या चाहिए? मंचूरियन पाव यहाँ नहीं है, बहुत दूर है भाई। एक समोसा पाव, एक वड़ा पाव और एक मसाला डोसा पार्सल चाहिए सब। तो दोस्तों यहाँ पे बनना चालू है हमारा मसाला डोसा और ये भाई भी घाई कर रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हमको ही घाई है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। भाई थोड़ा जल्दी से करना प्लीज, पहला हमको ही दे देना। चलो हमको दे दो पहले, थोड़ा खोपरे का चटनी थोड़ा ज्यादा दे देना भैया। तो दोस्तों हम लोग नाश्ता लेके आ गए और गाड़ी के अंदर ही बैठ के नाश्ता खाएंगे। जैसे कि मैं बाहर का व्यू बताऊं आपको पहले, ये काफी बारिश हो रही है और ये भी बहुत छोटा सा रोड है, इसलिए काफी जल्दी यहाँ पे अगर 2 मिनट भी खड़े रह रहे तो ट्रैफिक हो जा रही है। इसलिए घाई घाई करके वहां से हमको लेना पड़ा नाश्ता कि जल्दी से दे दो, ज्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं थी तो क्या ही रुकेंगे। मैंने तो देखो मसाला डोसा ले ली वहां से और चटनी भी मैंने बोली उनको ज्यादा दो, इतना एकदम बहुत पतला चटनी है। और यहाँ पे डोसा इसके अंदर उन्होंने, उनके पास में पेपर नहीं है, मतलब वो पेपर वाली जो प्लेट आती है, कौन सी प्लेट है वो, वन टाइम यूज वाली प्लेट नहीं थी उनके पास में। तो डोसा इस तरीके से उन्होंने दिए मुझे, वैसे आप लोगों को देखिए ये है डोसा और ये है उसकी नारियल चटनी जो काफी पतली है और उसी के साथ में उन्होंने वो दूसरी चटनी दी है कि नहीं भाई? दिए क्या ये सांबर, लेकिन खाएंगे कैसा अभी इसको, प्लेट तो है नहीं मेरे पास वो। चलो तो दोस्तों बच्चों ने यहाँ पे समोसा पाव और वड़ा पाव लिए थे, मैं थोड़ा सा वड़ा पाव टेस्ट करूँ कैसा है, पता नहीं यहाँ का माशाल्लाह वड़ा पाव में तो टेस्ट माशाल्लाह है, एक नंबर लग रहा है। कैमरा सेट कर रही हूँ यहाँ पे, कैमरा बैटरा नहीं है क्योंकि गाड़ी चालू है। डोसा देखते हैं थोड़ा सा खा के, डोसे में भी अच्छे खासे उन्होंने आलू वगैरह डाले, बस आलू ही डाले मसाला डोसा में। सफेद बटर लगाए थे डोसे में, बोर्ड देना पीजे समोसा। तो दोस्तों हम लोग अभी फिलहाल लोनावला में हैं, लोनावला से थोड़े से आगे दूरी पे पूना के करीब है। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता करते हैं क्योंकि यहाँ की भेल काफी मशहूर है और उसी के साथ में यहाँ का मिसल पाव भी काफी मशहूर है। तो चलो टेस्ट भी करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। चलो आ जाओ, बहुत ठंडी बज रही है पहले तो। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई है हमारी मटकी भेल
देखिए कुछ अनोखी भेल है, जैसे शिवपुरी वाले देते वैसे तो नहीं है अलग। तो दोस्तों अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ यहाँ की भेल कैसी लग रही है। काफी सारी इसके अंदर मटकी है, मूंग नहीं है, सिर्फ मटकी है और चूड़ा है काफी सारा। देखिए इस तरीके से अब इसको टेस्ट करेंगे। अंदर पोहा भी है, तला हुआ पोहा जो आता है वो। बिस्मिल्ला। ठीक है, मेरे को इतने कुछ कांस नहीं लग रही। टेस्ट सिर्फ मटकी का यार है, बाकी तो चूड़ा खाते ही रहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मिसल पाव भी आ गया है। ये मिसल पाव नहीं, मिसल थाली इसको बोल सकते हैं हम लोग, जिसके साथ में एक कटोरी दही है, थोड़ा कांदा है, उसी के साथ में एक ककड़ी है, दो ककड़ी की है, और उसी के साथ में नींबू। सबसे प्यारी बात तो ये है कि ये जो थाली है बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों। उसी के साथ में क्यूट सी इन्होंने हमको बकेट भी दी है। तो मिसल पाव का मैं आपको मिसल पाव भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। मिसल पाव में एक बात बहुत अच्छी है कि पूरी मूंग और मटकी जो है पूरी कोम आई हुई है, ये काफी हेल्दी होती है हमारे लिए, इसीलिए ये चीजें यहाँ की ज्यादा बेटर है शायद। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी कांदा। वाह 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 वाह, आप लोग भी सब आइए दोस्तों खाने के लिए माशाल्लाह। इस तरीके से मैं लेती हूँ एक निवाला। आप बोलेंगे बड़ा निवाला ले रही है, लेकिन क्या करें, बड़ा ही निवाला खाना पड़ेगा। इस तरीके से बिस्मिल्ला। अमेजिंग मिसल पाव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया, माशाल्लाह से बहुत मजा आया नाश्ते में, तो अमेजिंग लगा इनका मिसल पाव। अभी चाय ऑर्डर किया है, लेकिन चाय यहाँ पे बैठ के नहीं पीऊंगी, वहाँ पे बैठ के पीऊंगी, क्योंकि वो व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया और यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा था ये टेबल का मुझे, लेकिन जब मैं आई यहाँ पे बैठने के लिए तब ये खाली नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी बैठ जाएंगे। बाहर देखिए कितना ज़ोरदार बारिश चालू है। वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा कि इतना सारा बारिश चालू है, और इस टाइम पे मेरे माइक की जो चार्जिंग है वो भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे आ गई है हमारी चाय और एक खाली गिलास भी। तो दोस्तों चाय आ गई है, चाय भी पी के देखते हैं कि कैसी है चाय। स्पेशल चाय है ये, देखते हैं इसका टेस्ट। अमेजिंग चाय है, अमेजिंग। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।